तो हेलो दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि हमें एक छोटा डीजे सेटअप बनाना है, तो उसके लिए कौन सा एम्पलीफायर बेस्ट होगा। तो दोस्तों, ये जो एम्पलीफायर देख रहे हैं ये MR कंपनी का 125 वाट का एम्पलीफायर है। और ख़ास बात ये है दोस्तों कि इसमें आपको इनबिल्ट ब्लूटूथ देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब इसमें आपको ब्लूटूथ सिस्टम मिल जाएगा जिससे कि आप इससे ब्लूटूथ से स्पीकर को चला सकते हैं। मतलब कि अगर आप अपने घर के लिए एक छोटा मोटा प्रोग्राम के लिए कोई एम्पलीफायर लेना चाहते हैं तो इस वाले एम्पलीफायर को आप ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इस वाले एम्पलीफायर में मिल जाएगा। साथ में दोस्तों, अगर आप प्रचार गाड़ी में इस वाले एम्पलीफायर को लगाना चाहते हैं तो भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। आप इसमें दो हॉर्न और एक स्पीकर को लगा के आराम से प्रचार गाड़ी को घुमा सकते हैं। मंदिर में लगाना चाहते हैं तो मंदिर में भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाएगा। मंदिर, मस्जिद, स्कूल, प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी, हर जगह पर इस वाले एम्पलीफायर का अच्छा रोल होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इस वाले एम्पलीफायर को बॉक्स से निकालते हैं। तो बॉक्स में हम लोगों को एक रिमोट देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ये जो एम्पलीफायर है ब्लूटूथ सिस्टम से काम करता है। पीछे दोस्तों एक यहाँ पे आपको एंटीना के लिए वायरिंग देखने के लिए मिल जाएगा, और यहाँ पे बैटरी कनेक्शन के लिए भी वायरिंग देखने के लिए मिल जाता है। बहुत ही बेहतरीन एम्पलीफायर है दोस्तों, हम लोग इसका अनबॉक्सिंग किए हैं, देख सकते हैं। इसका टेस्टिंग भी काफ़ी अच्छा है। मैंने इसमें चार हॉर्न को भी चला के देखा है और 100 वाट के दो स्पीकर को भी लगा के देखा है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, बॉक्स पैकेजिंग में कुछ इस प्रकार से आया है। और साथ में दोस्तों इसमें प्लास्टिक के रेपर में ये पूरी तरह से पैक होकर आता है, जिससे कि इस वाले एम्पलीफायर को ट्रांसपोर्ट में कोई भी दिक्कत ना हो। तो इसका सेकेंड पार्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग इसका टेस्टिंग करेंगे, तो वीडियो मैं जल्द ही लाने वाला हूँ। वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। पर दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों, अगर आपको एम्पलीफायर सीरीज के और भी वीडियोस देखना है तो आप राइट वाले वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं, और इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखना है तो लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं।